हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टील लर्निंग। जैसे कि आप सभी जानते हो, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने वाले थे इसमें सितंबर में, लेकिन अभी किसी कारणवश से रेलवे ने उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो आपके लिए एक और अच्छा मौका है, आपके पास टाइम मिल गया है आपको। हो सकता है एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है वो जनवरी में हो, तो एक दो महीने बाद एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो आपके पास एक दो महीने का और टाइम मिल गया है, तो आप उसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपके करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैंने आपको जनवरी से लेके और सितंबर तक की जितने भी करंट अफेयर बनती है सारी प्रोवाइड करा दी है। उसकी आपको PDF चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, stillearning.in। वहाँ पर जाएंगे तो आपको सारी PDF मिल जाएंगी, उसकी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे वहाँ पर। और आप अगर वहाँ नहीं जा सकते तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी, वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, और जितनी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उसकी PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको बता दूँ, करंट अफेयर कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा आरआरबी में करंट अफेयर का कितना बड़ा वो होता है, तो काफ़ी पूछी जाती है करंट अफेयर, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि सारे जितने क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करने की कोशिश करिए। तो आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बराबर में बेल का बटन होता है, उसको प्रेस कर दें। उसको प्रेस करने से क्या होगा, हमारी जो आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो अक्सर डालता रहता हूं, तो आपके काम की वीडियो हैं, काफ़ी काम आएंगी। और आप जितने भी वीडियोज़ हैं इसको आपके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उसको भी कहीं हेल्प मिल जाए कुछ। तो स्टार्ट करते हैं, जो मैं आज के कराने वाला हूँ ये अक्टूबर के क्वेश्चन है करंट अफेयर के, लेकिन इनमें सारे क्वेश्चन कवर नहीं किए हैं, कुछ क्वेश्चन डाले हैं। ये पहला पार्ट है, इसके बाद मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा, इसमें सारे क्वेश्चन कवर करूँगा। तो ये पहला पार्ट है, जितने क्वेश्चन कवर हो सके मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। तो उससे स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इन इंडिया। ऐसी कौन सी पहली प्राइवेट ट्रेन है इंडिया के अंदर, वो कौन सी है, वो है तेजस ट्रेन है, जो कि पहली प्राइवेट ट्रेन इंडिया के अंदर बन गई है। नेक्स्ट है, वैन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। जो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो जितने भी डे हैं उसको आप याद कर लीजिए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, विच प्राइम मिनिस्टर विजिट इंडिया इन अक्टूबर 2019। ऐसी कौन सी प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इंडिया में आई थी अक्टूबर 2019 में, तो वो कौन है, वो है शेख हसीना, जो कि भी रिसेंटली आई थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो कि अभी अक्टूबर 2019 में इंडिया आई थी। तो जो भी रिसेंटली एक्टिविटी होती है उसको आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन सेलिब्रेटेड डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो जो ये मनाया जाता है डे ऑफ नॉन वायलेंस, वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विच स्टेशन एट द टॉप एज पर क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो ऐसा कौन सा स्टेशन है जो कि सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया में, वो कौन सा है, वो है जयपुर। कौन सा, जयपुर रेलवे स्टेशन है जो कि क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया है। नेक्स्ट है, जयपुर ऑल्सो नोन है, तो जयपुर को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, द पिंक सिटी के नाम से आता है, नाम से जाना जाता है, गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है जयपुर को। दोस्तों, जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मतलब किसी के भी नाम होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, किसी भी शहर को किस नाम से जाना जाता है, तो आप उसको याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड हैबिटेट डे। जो वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो दोस्तों मनाया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। जो अक्टूबर होता है उसका सबसे पहला जो मंडे होता है उसको मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो इस बार किस तारीख को मनाया गया, 7 अक्टूबर 2019 को मनाया गया। कब मनाया गया, 7 अक्टूबर 2019 को मनाया गया। नेक्स्ट है, हु वॉन ATP चैलेंजर टूर्नामेंट। जो ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जीता है वो किसने जीता है, वो जीता है सुमित नागल ने। किसने जीता है, सुमित नागल ने जीता है ATP चैलेंजर टूर्नामेंट। दोस्तों, ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, ATP की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। नेक्स्ट है, वेयर विल बी ओपन फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया वो कहाँ पर ओपन होगी, वो होगी मणिपुर में। कहाँ पर होगी, मणिपुर में, जो कि फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहलाएगी। नेक्स्ट है, व्हेन सेलिब्रेट वर्ल्ड एनिमल डे। जो वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है वो कब किया जाता है, वो किया जाता है 4 अक्टूबर को। कब किया जाता है, 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनिमल डे। नेक्स्ट है, न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ PNB पंजाब नेशनल बैंक के जो नए MD हैं वो कौन है, वो है मल्लिकार्जुन राव। कौन है, मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट है,
वेन सेलिब्रेट इंडियन एयरफोर्स डे। जो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया था वो कब मनाया था, 8 अक्टूबर को मनाया था इंडियन एयरफोर्स डे। ध्यान रखना दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हु बिकम द थर्ड स्टेट टू बैन पान मसाला इन इंडिया। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि तीसरे नंबर का स्टेट बन चुका है इंडिया में, जो कि पान मसाले को बैन कर दिया इसने, कौन सा स्टेट है, वो है राजस्थान। कौन सा स्टेट है, राजस्थान। राजस्थान में भी पान मसाला को बैन कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले भी महाराष्ट्र और बिहार में भी जो मसाला पान मसाला है उसको बैन किया जा चुका है पहले से ही। तो पान मसाला ऑल्सो बैन इन महाराष्ट्र एंड बिहार। तो महाराष्ट्र और बिहार में पहले से ही किया जा चुका है, जो अभी किया रिसेंटली वो राजस्थान ने किया है। तो राजस्थान थर्ड स्टेट टू बैन पान मसाला बन गया है इंडिया के अंदर। तो तीनों स्टेट के नाम याद रखने जरूरी है आपको। नेक्स्ट है वैन सेलिब्रेट वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे। जो वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड मो सरकार। तो ये एमओ सरकार जो स्टार्ट की गई है वो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है, वो की गई उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, उड़ीसा गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है मो सरकार स्कीम। नेक्स्ट है वैन सेलिब्रेट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कब मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। नेक्स्ट है हु बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू प्ले 100 T20। तो ऐसी कौन सी महिला क्रिकेटर हैं जो कि प्ले 100 T20 किया इन्होंने। तो कौन सी महिला है वो हरमनप्रीत कौर। कौन है, हरमनप्रीत कौर, जो कि फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू प्ले 100 T20 खेल चुकी हैं, वो है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है वैन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों ये क्वेश्चन तो कई बार बता चुका हूँ आपको, ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा भी जाए। तो जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। दोस्तों यहाँ ध्यान रखें, गर्ल चाइल्ड डे अलग है और वुमेन डे अलग होता है, तो इसमें अलग रखें उसको। वो 8 तारीख को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे, और गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हु वास बिजू खोटे। तो जो बिजू खोटे हैं वो कौन थे, तो बिजू खोटे दोस्तों एक्टर थे, कौन थे, इंडियन एक्टर थे बिजू खोटे, जिनकी अभी देहांत हो गया, जिनका 30 सितंबर 2019 में इनका देहांत हो गया। तो बिजू खोटे एक्टर थे, इनका ऐसे भी कुछ पूछा जाता है इनसे रिलेटेड भी, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया इसमें। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च ऊर्जागिरी। तो ऊर्जागिरी कैंपेन, जो ये कौन सा स्टेट है इसने ऊर्जागिरी कैंपेन स्टार्ट किया है, तो वो उत्तराखंड स्टेट है जिसमें ऊर्जागिरी कैंपेन स्टार्ट हुआ है। तो कौन सा कैंपेन स्टार्ट किया है, ऊर्जागिरी कैंपेन स्टार्ट किया है, कहाँ पर किया है, उत्तराखंड में किया है। तो जितने भी स्कीम लॉन्च होती हैं या फिर स्टार्ट होती हैं उनको जरूर याद रखिए आप, उनको कोई मत भूलिए। नेक्स्ट है वैन सेलिब्रेट वर्ल्ड साइट डे। तो जो वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 2nd Thursday of October, जो अक्टूबर का दूसरा बृहस्पतिवार होता है उसको मनाया जाता है वर्ल्ड साइट डे। तो इस बार जो मनाया गया वो 10 अक्टूबर 2019 को मनाया गया। कब मनाया गया, 10 अक्टूबर 2019 को मनाया गया। नेक्स्ट है वैन सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिएक्शन। तो ये कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिएक्शन ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट लॉन्च YSR वाहन मित्र। तो जो ये YSR वाहन मित्र लॉन्च किया है ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है YSR वाहन मित्र। नेक्स्ट है विच बैंक लॉन्च UCash डिजी लॉकर एंड ऐप। तो जो ये तीन चीज़ लॉन्च किए किस बैंक ने लॉन्च किए, UCash डिजी लॉकर एंड ऐप। तो ये तीन चीज़ लॉन्च किए हैं वो यूको बैंक ने लॉन्च की है। किसने किए, यूको बैंक ने लॉन्च किए हैं UCash डिजी लॉकर एंड ऐप, तीन चीज़ लॉन्च की गई हैं यूको बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है वैन सेलिब्रेट वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। तो जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच चीफ मिनिस्टर इनोग्रेट मोबाइल हॉस्पिटल रिसेंटली। तो किस चीफ मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है कौन सा मोबाइल हॉस्पिटल, किसने किया है, ये चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने किया है। किसने किया है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने किया है
मोबाइल हॉस्पिटल की ओपनिंग। नेक्स्ट है वैन सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। तो ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन मनाया था वो कब मनाता है, 15 अक्टूबर को मनाया था। कब मनाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हु इज़ द न्यू MD ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसके न्यू MD कौन है, नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वो है श्री सुशील चंद्र मिश्रा। कौन है, श्री सुशील चंद्र मिश्रा हैं नए MD ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड के। नेक्स्ट है वैन सेलिब्रेट वर्ल्ड स्टूडेंट डे। जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाता है वो कब मनाता है, वो मनाता है 15 अक्टूबर को। कब मनाता है, 15 अक्टूबर को मनाता है वर््ल्ड स्टूडेंट डे। नेक्स्ट है वैन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड टीचर डे। तो टीचर डे कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, वर्ल्ड टीचर डे और नेशनल टीचर डे दोनों में फ़र्क होता है, इसको आप अच्छे से याद करिए, इसमें कन्फ्यूज मत होइए। मैंने लास्ट मंथ की जो वीडियो डाली है अभी सितंबर की रिसेंटली, उसमें भी मैंने दोनों क्वेश्चन डाले हैं और इसमें भी मैंने दोनों क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो कहीं भी। तो जो वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो नेशनल टीचर डे मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्या बताया मैंने आपको अभी, जो वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो नेशनल टीचर डे मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसको यहाँ ध्यान रखें, दोनों को, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है विच बैंक लॉन्च एक्सप्रेस FD। जो ऐसी कौन सी बैंक है जिसने एक्सप्रेस FD लॉन्च की है, तो ये कौन सी बैंक है, एक्सिस बैंक। कौन सी एक्सिस बैंक है जिसके द्वारा एक्सप्रेस FD लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है हु वॉन द प्लेयर ऑफ द ईयर इन द एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। तो ये जो ये वॉन हुई है वो कौन है, ये जो वॉन हुआ है वो कौन है, प्लेयर ऑफ द ईयर इन द एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, तो वो कौन है, बेन स्टोक। कौन है, बेन स्टोक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मिले थे मेरे को जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों अब इसके आपने वीडियो पूरी देख ली, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, और आप कमेंट जरूर करें हमें आपको अगर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए या फिर किस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जो बचा है, अभी पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट जो बचा है इसका अक्टूबर का, बहुत जल्द उसको अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि इससे अप्रिशिएट होते हैं हम, ताकि हम जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करें। दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।